शनिवार 21 जनवरी को अचानक बड़ी संख्या में बाघ और तेंदुए को गुजरात जामनगर में उद्योगपति के निजी जू में भेजा गया। इस मामले को लेकर आज नागपुर युवक कांग्रेस ने आंदोलन किया है। आंदोलन युवक कांग्रेस के नेता वसीम खान के नेतृत्व में सेवा सदन चौक पे किया गया, जहां बड़ी संख्या में युवा और महिलाओं ने बाघ और तेंदुए का मुखौटा लगाकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वसीम खान ने राज्य सरकार को निकम्मी बताते हुए उद्योगपति की दलाली का आरोप लगाया। खान ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के साथ साथ अब बाघ और तेंदुओं को भी गुजरात जामनगर लेकर जारी है। थोड़े दिन पहले ही हाथियों को ही भेजा गया है। अगर बाघ और तेंदुए को वापस नहीं लाया गया तो उप मुख्यमंत्री के घर के सामने तीव्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्य तौर पर नागपुर शहर अध्यक्ष नैश नुसरत अली, ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, युवा कांग्रेस सचिव अक्षय डोरलीकर, सुशांत घनवीर, दानिश बाबा, राजा भाव चिलाते, फिरोज खान, क्षितिज साखरे आदि लोग उपस्थित थे। अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार द्वारा नागपुर से कई किस्म के उद्योग गुजरात पार्सल कर दिया गया है, वैसी अभी हाल ही में 21 जनवरी को शनिवार की रात को अचानक गोरेवाड़ा जू से 4 तेंदुए 4 बाघ को गुजरात लेकर चला गया है। किसी को बताते हुए नहीं, और ये बता रहे हैं कि राज्य सरकार की इनको परमिशन है, तो राज्य सरकार की इनको जो सुभाष करकर जो बाघ था उसकी परमिशन थी, उसको नहीं लेते जाते हुए चार अनेक यानी अनेक बाघ और 4 तेंदुए को लेकर गया। कुछ दिनों पहले हाथियों को भी ऐसे लेकर गया है। ये उद्योगपति की दलाली करने वाली सरकार है, ये रंगा बिल्ला यानी अडानी और अम्बानी की सरकार है, उनकी दलाली करती है। सारा उद्योग हमारे महाराष्ट्र से वहाँ लेकर जाया जा रहा है, वैसी ये जो 4 तेंदुए और 4 बाघ है जो लेकर गए, इसको जल्द से जल्द वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो हम शांत नहीं बैठेंगे। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।